सो गैस, आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मुझे क्वेश्चन किया हुआ चारकोल पे ड्राइंग करके दिखाने को। सो गैस, आज मैं एक लायन का स्केच ड्रॉ किया हूँ काफ़ी कम टाइम में, 20 से 25 मिनट में, जो कि पूरी तरह से चारकोल से ड्रॉ किया हूँ और काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद आएगा। सो वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिए, साथ ही मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा मैं किस तरह से इस पोर्ट्रेट को कम्प्लीट किया हूँ, पूरी तरह से आपको वॉइस ओवर के साथ मैं इंस्ट्रक्ट करूँगा। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें गैस। सो गैस, यहाँ पर जो आउटलाइन स्टार्टिंग में आप देखे हो वो वीडियो मिस हो गई, किसी तरह से रिकॉर्ड नहीं हो पाया, बट वो मैं फ्री हैंड ड्रॉ किया था एंड उस पर मैं फिर चारकोल की जो सॉफ्ट वाली ग्रेड आती है, सॉफ्ट वाली पेंसिल से मैं जो भी मैं आउटलाइन क्रिएट किया था फ्री हैंड, उसे मैं कन्फर्म किया एंड फिर ड्रॉ करते गया। और फ्री हैंड आउटलाइन के बारे में अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो काफ़ी एक इम्पोर्टेंट चीज़ होता है जो कि हमें ध्यान रखनी होती है। जो भी आप ड्रॉ कर रहे हो उसे एक आप ज्योमेट्रिक शेप्स में देखने की कोशिश करो, जो आपके पास रेफरेंस पिक्चर है उसमें से किस जगह पे आपको सर्कल दिखाई दे रहे हैं, किस जगह पे आपको स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं, सिलेंडर दिखाई दे रहे हैं, ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, इस तरह से आपको ऑब्जर्व करना होगा और उसके अकॉर्डिंग आप आउटलाइन क्रिएट कर सकते हो। बाद में आप उन पर डिटेलिंग करोगे तो सारी चीज़ें आपकी उभर के आएगी। और काफ़ी मैं यहाँ पर इजी प्रोसेस बताऊँगा गैस, जो कि बहुत ही सिंपल है और बहुत कम टाइम में आपका ड्रा हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हो, मैं आउटलाइंस को कन्फर्म किया सॉफ्ट ग्रेड की जो चारकोल पेंसिल है कैमलिन की, उसके हेल्प से। और फर्स्ट लेयर में यहाँ पर लाइट शेडिंग कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू जो रेफरेंस है, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर हेयर्स के स्ट्रोक्स को अप्लाई कर रहा हूँ। इसी तरह से आपको भी अप्लाई करनी है, जो भी आपको रेफरेंस में देखने को मिलेगा उसी तरह से आपको स्ट्रोक्स लगानी है। आप बिना इधर उधर डायरेक्शन, आपको ऑलवेज़ जो रेफरेंस में दिखेगा उसी को आपको ऑब्जर्व करते हुए सेट्स करने हैं। सो फ्रेंड, जैसे ही हमारा पहला जो शेडिंग है फर्स्ट लेयर अप्लाई हो चुका था, उसके बाद मैं यहाँ पर ब्लेंड कर दिया उन्हें बाय यूजिंग मेकअप ब्रशेस। ये मेकअप ब्रशेस आपको इजीली मिल जाएंगे गैस, आप कोई भी स्टेशनरी पे जाओगे या फिर जो यहाँ पर मेकअप की सामान मिलते हैं तो वहाँ पर आप मेकअप ब्रश इजीली ले सकते हो या फिर आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो। और साथ ही गैस, आप यहाँ पर देख सकते हो मैं यहाँ पर चारकोल पाउडर का भी यूज़ में लिया हूँ, बिकॉज मैं चाहता तो कैमलिन की पेंसिल से ही सारा कुछ कर सकता था, बट उसमें मुझे टाइम ज़्यादा लगते और सॉफ्ट मुझे चाहिए था। मैं चारकोल की पाउडर को जो थिकनेस है, जो शेड्स हैं गैस, उसे मैं कम ज़्यादा भी करके अप्लाई किया हूँ। और फिर मैं लास्ट में यहाँ पर जो कैमलिन की सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल है उससे मैं यहाँ पर डिटेल अगेन कर रहा हूँ, जहाँ पर कुछ डिटेल्स की ज़रूरत है, जहाँ स्ट्रोक्स की ज़रूरत है पेंसिल्स की, वहाँ मैं कैमलिन की पेंसिल से कन्फर्म कर रहा हूँ हेयर्स के स्ट्रोक्स को। तो गैस, इसी तरह से आप ऑब्जर्व करो और आप भी ट्राई करो, बहुत ही मज़ा आएगा इस तरह से ड्रॉ करने में आपको। काफ़ी बार होता है हम फ्री हैंड ड्रॉ ना करते हुए अलग अलग मेथड से करते हैं, लाइक ग्रिड मेथड, मेजरमेंट वगैरह, तो आप फ्री हैंड भी प्रैक्टिस किया करो, काफ़ी मज़ा आएगा। और जैसे ही मैंने यहाँ पर सेकेंड लेयर जो डिटेलिंग के लिए ऐड किया था कैमलिन से, उन्हें भी फिर मैं ब्लेंड कर दिया। और गैस, सबसे इम्पोर्टेंट रोल अब आता है जो कि हाइलाइट्स होता है। किसी भी पोर्ट्रेट में हाइलाइट्स उतना ही इम्पोर्टेंट है गैस, जितना आप शेड्स दे रहे हो और डार्कनेस दे रहे हो, दोनों मेंटेन रहना चाहिए, बैलेंस रहना चाहिए। जहाँ पर लाइट्स दिख रहे हैं वहाँ पर आपको हाइलाइट्स देने होंगे, तो मैं यहाँ पर हाइलाइट्स के लिए यूज़ कर रहा हूँ जो कि पेंसिल वाली इरेजर आती है कोहिनूर ब्रांड की। और साथ ही गैस, मैं हाइलाइट्स के लिए यहाँ पर सकुरा की जेली रोल पेन भी यूज़ करूँगा। प्रॉपर हाइलाइट्स वगैरह देने के बाद आप चाहो तो और भी डिटेल ऐड कर सकते हो, डिटेल्स की कोई सीमा नहीं है गैस, आप जितना चाहो उतना डिटेल दे सकते हो, बट मुझे तो ऐसे ही अच्छा लग रहा है। सो मैं कुछ इसी तरह से इस पोर्ट्रेट को रहने दूंगा, बिकॉज मैं सिर्फ फेस को ही लिया था, और भी इसके हेयर्स और भी आएंगे फेस के, अगर आप चाहो तो और भी ज़्यादा कर सकते हो, बट मैं इतने ही ड्रॉ कर रहा था और भी थोड़े बहुत मैं डिटेल्स दे रहा हूँ।
जो हमारा हाइलाइट्स दे रहा हूँ यहाँ पर, जो पेंसिल इरेजर है उसकी हेल्प से। सो गाइस बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आप भी इस तरह से ड्रॉ करना चाहते हो तो प्लीज़ ट्राई करो आप भी इस तरह से। और मिलते हैं गाइस फिर से नए वीडियो के साथ। आप कमेंट सेक्शन पे बताना कैसा लगा आपको। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।